तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रिज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हमारे बात को ध्यान से सुनिए। ये देखिए, मैं फ्रिज को खोलता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, फ्रिज तो ठंडा होता है लेकिन ऊपर का ही सिस्टम थोड़ा सा ये बस ठंडा होता है, नीचे ठंडा ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कभी जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपका वोल्टेज जो है, फ्रिज को वोल्टेज बराबर नहीं मिल रहा है, तभी इस तरह से होता है, ठीक है। अगर वोल्टेज बराबर नहीं मिलेगा तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर का बस ठंडा होता है। ये समझ लीजिए इसका निशानी हो गया वोल्टेज कम होने का, ठीक है। और दूसरा निशानी इसका ये हो गया कि ये कंप्रेसर होता है, चलेगा 2 से 5-10 सेकंड तक चलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर थोड़ा सा कंप्रेसर चलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरह से अगर होता है तो समझ लीजिए आपका वोल्टेज, उसको अपने रेफ्रिजरेटर का जो है वोल्टेज है वो बराबर नहीं मिल रहा है, इस तरह। इसलिए ऐसा होता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ये भुगत चुका हूँ कि इसी बार हमारा जो फ्रिज है इसी तरह से सेम, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सेम ऐसे ही हो रहा था। ऊपर का तो ठंडा हो रहा था, ये जो बर्फ वाला आइस वाला हल्का हल्का ठंडा हो रहा था, नीचे बिल्कुल ही नहीं ठंडा हो रहा था। हम लोग परेशान हो गए, लग रहा है फ्रिज खराब हो गया, ठीक है। तो हम सोचे फ्रिज खराब हो गया, चलो मैकेनिक को बुलाते हैं। तो हम लोग जो कंपनी सैमसंग कंपनी का हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो यहाँ पे नंबर भी लिखा है, यहाँ पे देखिए सैमसंग कंपनी का, यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे सैमसंग कंपनी का यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसी नंबर पे हमने कॉल किया सैमसंग कंपनी को, गया तो सैमसंग कस्टमर केयर से बात हुआ, फिर 2-3 जगह ट्रांसफ़र हुआ, फिर 3 दिन के बाद से जो सैमसंग कंपनी का इंजीनियर था वो हमारे घर पे आया 3 दिन बाद। उसके बाद से इसमें बोला कि इसके पीछे एक कंडेंसर का इसी तरह से कुछ नाम बता रहा था कि वो ख़राब है, उसको चेंज करना पड़ेगा। आया थोड़ा सा देखा और बोला ये ख़राब है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि ठीक है चेंज कर दिया, हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बोले ठीक है चेंज कर दो, चेंज कर दिया। फिर हम लोग एक दिन मतलब बोला कि आधा घंटा चालू नहीं करना, उसके आधा घंटे बाद चालू करना, ठीक है। तो हम लोग आधा घंटा बाद प्लग लगाए, चालू किया, फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारा फ्रिज ठंडा ही नहीं कर रहा। फिर 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, फिर भी हमारा फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर हम उसको फ़ोन किए कि हमारा फ्रिज ठंडा नहीं। तो दोस्तों हमने फिर दोबारा इसको कॉल किया कि भाई हमारा जो आपने फ्रिज रिपेयर करके गया अभी तक ठंडा नहीं कर रहा है। तो उसी टाइम आया था, तो सब कुछ करने के बाद से हमारा जो कंडेंसर था वो पीछे का, उसको चेंज किया और बोला कि 500 रुपये लगेंगे, ठीक है, 500 रुपये उस कंडेंसर का और 500 रुपये जो सर्विस चार्ज, 1000 रुपये हम लोग बता रहा था कि हमें चाहिए, तब हम जाके इसको वो करेंगे। तो मैं बोला कि हम तो इतना में बुक किए थे, 531 रुपये में हम बुक किए थे। तो वो बोला नहीं, इसका चार्ज अलग से लिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोले नहीं नहीं, हम सिर्फ इतना ही देंगे, 531 रुपये देंगे, इससे वैसे नहीं देंगे। तो बोले हम अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो आप चले जाओ, हमारा छोड़ दो इसे, ठीक है। तो फिर वो नहीं माना, वो बोला कि ठीक है हम चेंज कर देते इसी पैसे में। तो फिर वो चेंज किया उसी पैसे में और चेंज करके चला गया, फिर भी हमारा मतलब तो चेंज करके चला गया, फिर भी हमारा जो फ्रिज है ठंडा नहीं कर रहा था 3 दिन के बाद। फिर हम फ़ोन किए उसको 3 दिन के बाद कि भाई हमारा फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा। तो बोल रहा है कि वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा बराबर, ठीक है, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया और बाद में बोला कि वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा। तो हम फिर हम और भी सैमसंग का केयर था उसमें मैं फ़ोन किया, तो वहाँ भी यही बोले थे वोल्टेज का कारण ही आपका जो वोल्टेज नहीं मिल रहा इसको बराबर, इसी वजह से आपका जो फ्रिज है नहीं चल रहा है। तो हम लोग भी सोचे हाँ लग रहा है ऐसा ही कुछ, वोल्टेज नहीं मिल रहा बराबर। तो जब वोल्टेज आने लगा बढ़िया से, तो हम लोग 1 महीने के बाद से फिर हम थोड़ा बारिश जब चालू हो गया, वोल्टेज मिलने लगा, तब हम 1 महीने बाद फिर अपने फ्रिज को चालू किए, तब देखे कि हाँ हमारा फ्रिज अपने आप सही हो गया, अपने आप ठंडा करने लगा। अभी देखिए तभी से हमारा फ्रिज एकदम अच्छा चल रहा है। यहाँ से देखिए जैसे हम खोलेंगे, यहाँ से देखिए एकदम ठंडा ठंडा मतलब हवा जैसे निकल रहा है, एकदम अच्छा ठंडा कर, जैसे चाहिए वैसे ठंडा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोग सोचेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सैमसंग कंपनी का रेनोवो सर्विस लिखा है ना, सैमसंग कंपनी का, तो देखिए यहाँ पे हमारा नाम है और यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस चार्ज के नाम पर
यहाँ पे लिखा हुआ है 531 रुपये सर्विस चार्ज, यहाँ पे देख सकते हो 531 रुपये सर्विस चार्ज लगा था, टोटल चार्ज 531 हम दिए थे उसको, और हमारा इतना में 531 रुपये में हमारा जो फ्रिज हमारा उससे ख़राब ही नहीं था दोस्तों, बस चूतिया था, उसको जानकारी नहीं था, आया और बिना मतलब का उसका जो कंडेंसर था चेंज करके चला गया, ठीक है। और हमारा फ्रिज फिर भी नहीं चालू हुआ, चालू तभी हुआ जब वोल्टेज मिला बराबर। तो यही में हम आपको बता रहे हैं कि कभी आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप पहले देख लीजिए वोल्टेज बराबर है कि नहीं, तब जाके कुछ भी उसमें चेंज कराइएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर आपका फ्रिज कभी कभी न ठंडा करे तो यहाँ से ये जो बटन है, यहाँ पे करीब आइए, ये वाला जो बटन है साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लाइट जलाइए इसमें को नहीं जल रहा, तो हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वाला जो बटन है इसको इस तरह से घुमाना है लास्ट तक, यहाँ तक लास्ट तक इस तरह से लेके जाइए, ये देखिए लास्ट तक लेके जाएंगे एकदम पूरा लास्ट तक, तो ये ऑफ हो जाएगा, ये जिससे ये वाला सिस्टम इस तरह से चाहे इसको दबा दो चाहे इसको लास्ट तक लेके जाओ, ठीक है। और फिर इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से अगर ठंडी चल रहा है तो ठंडी लगा दीजिए, गर्मी चल रहा है तो गर्मी लगा दीजिए, अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, तब ये आपका अगर कुछ कभी कभी ये ऑटोमेटिक भी इस तरह से हो जाता है तो ये भी आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपने आप फ्रिज को सही कर सकते। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा आपके लिए कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।